रेलवे के कोरोना अस्पताल में 92 साल की वृद्धा मरीज किरण देवी ने कोरोना से जीती जंग। कोरोना की दहशत से तमाम लोग घबराए हुए हैं, कई लोग आत्महत्या तक कर चुके हैं। कोरोना बीमारी से हारे और निराश लोगों के लिए मिसाल बनी 92 साल की किरण देवी। अपने हौसले और बहादुरी से किरण देवी ने सिर्फ एक हफ्ते में कोरोना से को हरा डाला। रेलवे अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने आज किरण देवी को उनके घर भेज दिया। आज से ठीक एक हफ्ता पहले रेलवे के कोरोना अस्पताल में 92 साल की वृद्ध मरीज किरण देवी को भर्ती किया गया था। जिस समय किरण देवी को भर्ती किया गया था उनकी पल्स रेट बीपी सब कुछ गड़बड़ाया हुआ था, लेकिन कोरोना के खौफ को दरकिनार करते हुए किरण देवी ने कोरोना से जंग जीत ली। और रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद आज किरण देवी को डिस्चार्ज कर दिया गया। जाते समय अस्पताल के सभी स्टाफ ने किरण देवी को छोड़ने बाहर तक आए और कोरोना को हरा कर बेहद खुश किरण देवी ने अस्पताल के सभी स्टाफ को आशीर्वाद दिया। इस दौरान हॉस्पिटल स्टाफ ने फूल बरसाकर उन्हें विदा किया। किरण देवी ने कहा कि कोरोना से सब डरे हुए हैं, बस कुछ ही दिन की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किरण देवी शहर के रामगंगा विहार में रहती हैं। पहले उनके बेटे और परिवार को कोरोना हुआ था, जिसके बाद किरण देवी भी कोरोना पॉजिटिव निकली। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आराम से थोड़ा थोड़ा प्यार से। अम्मा जी आपका किरण। किरण जी आप यहाँ पे कितने दिन पहले आई थी और क्या बीमारी थी और अब कैसे ठीक हो गई? आज मुझे पूरे 7 दिन हो गए यहाँ आए। 8वां दिन है आज। आज 8वां दिन है। 8वां दिन है। अच्छा तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो गई, क्या कहना चाहती हैं हॉस्पिटल के लिए? मैं हॉस्पिटल को क्या करूँ, मैं तो आशीर्वाद दे रही हूँ, हॉस्पिटल बहुत अच्छा चले, यहाँ का नाम चले। अच्छा, अच्छा लोग कोरोना से बहुत डर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? इससे डर रहे हैं भगवान, अब थोड़े दिन का बात और रह गया तब पूरा हो जाएगा। सावधान रहे सब लोग। सब डरे हुए हैं। अच्छा। सब ठीक हो जाएगा। कितनी है सर आपकी, कितनी उम्र? 90 वर्ष की है। स्वस्थ होकर जा रही है तो कैसा लग रहा है? ये मेरा छोटा बेटा है। क्या नाम है इनका? सुनील। अब मैं सुनील शर्मा। आपकी माता जी कितने वर्ष की हैं और कितने दिन पहले आई थी और ये 90 से ऊपर की हैं? और जो है ये मैं पहले पॉजिटिव पाया गया था, तो बाद में मेरे फैमिली मेम्बर्स के टेस्ट वगैरह भी हुए तो ये भी पॉजिटिव पाई गई, तो इनको यहाँ पे ले लिया गया। और मैं जो रेलवे का स्टाफ है उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये मेरे को कंसीडर करते हुए कि मैं यहाँ पर हूँ, तो इसलिए उन्होंने इनको भी यहाँ ले लिया, क्योंकि ये बहुत बुज़ुर्ग होने की वजह से ना तो अपनी बात किसी को ढंग से बता पाती हैं और ना ही औरों की बात ढंग से समझ पाती हैं। इनसे सब चीज़ें खाई पी भी नहीं जाती हैं और लेटरिन बाथरूम के लिए भी इन्हें हेल्प जरूरत पड़ती है। रात को जरूरत पड़ती है तो पेशाब पेशाब जाने के लिए तो साथ में मैं इनको ले जाता था। मैं पूरे CMO साहब का और ये रेलवे हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ है सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने इनकी सेवा की खातिर इनको बिल्कुल मेरे पास ले आए, मेरे पास वाला बेड दिया और ये इनसे दलिया ओट्स खिचड़ी वगैरह खाती हैं तो वो चीज़ भी उपलब्ध करवाई। मैं बिना लहसुन प्याज का खाना खाता हूँ, मुझे भी बिना लहसुन प्याज का खाना मिला और इतना अच्छा यहाँ का साफ़ सफाई, अटेंडेंट लोगों का, डॉक्टर्स लोगों का इतना अच्छा एटीट्यूड, इतना अच्छा अच्छा काम, बहुत खुशी हुई सरकारी अस्पताल में से देखने को मिलता है। कोरोना से डर रहे हैं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को लगता है कि कोरोना है तो टेस्ट कराने से बिल्कुल नहीं डरे और टेस्ट करवा ले अपने आराम से। हॉस्पिटल में अगर लाते हैं तो हॉस्पिटल में आ जाए, बड़े आराम से ठीक हो जाएगा। पहले दिन घुसते ही अस्पताल में आने के बाद हमको तो लगा कि हम ठीक हो गए, बुखार खांसी वगैरह कुछ थी, पहले दिन ही बुखार ख़त्म और उसके बाद खांसी जरूर 2-3 दिन रही, वो अब भी बिल्कुल नहीं है। खुशी महसूस हो रही है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं पुनः पुनः अपनी माता जी की तरफ से और अपनी तरफ से भी यहाँ के पूरे स्टाफ को, रेलवे के पूरे डॉक्टर्स को, अटेंडेंट्स को, सब लोगों ने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से अंजाम दी। सब आते थे, पूछते थे, बार बार चेक करते थे, सब काम करते थे। ऐसा लगा ही नहीं कि हम जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं, ऐसा लगा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हों जैसे हम। डॉक्टर साहब, ये आपका कौन सा हॉस्पिटल है और अब तक कितने मरीज आ गए और आज क्या विशेष का? देखिए, ये उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल का ये चेस्ट क्लिनिक है जिसको हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड के
L1 के रूप में इसको संचालित किया है और 1 अगस्त से ये सुविधा यहाँ संचालित हो रही है और अभी तक हम लोग 100 से ज़्यादा मरीजों को यहाँ से सफलतापूर्वक इलाज करके उनको डिस्चार्ज करके स्वस्थ करके उनको घर भेज चुके हैं। और आज के दिन एक उल्लेखनीय बात यह है कि हमारे उन्हीं मरीजों में से एक बहुत ही बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 92 वर्ष के लगभग है, श्रीमती किरण देवी जी, जो MDA कॉलोनी में ही मुरादाबाद में निवास करती हैं, हमारे पास 1 सप्ताह पहले यहाँ पर इनको लाया गया था। उस समय इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, 101 डिग्री आसपास बुखार था, इनकी जो सांस की गति बहुत तेज थी, 35 रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट थी, साथ में इनकी पल्स भी बहुत तेज थी और ओल्ड एज के साथ में इनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था। तो कुल मिलाकर अभी तक हमारे सुविधा में सबसे वयोवृद्ध जो मरीज हैं जो यहाँ पर लाए गए थे, तो हमारे लिए चुनौतियाँ भी बहुत थीं, लेकिन हमारी जो मेडिकल टीम है, डॉक्टर RK पांडे जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, डॉक्टर हुमैरा खान, डॉक्टर सलमान, और यहाँ की जो पैरामेडिकल की जो टीम है, जो हमेशा दिनेश सर, डॉक्टर दिनेश मोहन जी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ACMS हैं, इनके साथ जो पूरी टीम मुस्तैदी से 24 घंटे इनकी सेवा में लगी हुई है, इनकी साफ़ सफाई, इनकी देखभाल, इनको समुचित खाने और भोजन और स्वास्थ्यप्रद जो भी चीज़ें हैं, दवाइयां हैं देना, सब करके आज हमें ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमने इनको पूर्ण रूप से स्वस्थ किया है और आज हम इनको डिस्चार्ज करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं लोगों में ये भय है कि कोरोना खतरनाक बीमारी है, इससे कोई बचेगा नहीं, ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ है? तो ऐसे में एक बड़ी एज के व्यक्ति ठीक होकर जा रहे हैं। देखिए, कोरोना निसंदेह एक बहुत ही भयानक बीमारी है और डर का इसमें बहुत बड़ा स्थान है, जो किसी भी मरीज, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक भी है, उसकी मनोदशा को तोड़ के रख देता है। तो हमारा तो सभी मरीजों का, जो जिनके साथ हम लोगों ने इतना समय ट्रीटमेंट में निकाला है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उनको, उनका मनोबल बढ़ाए रखें, डरें लेकिन लड़ें, और हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं और उसको सफलता भी पा रहे हैं और हमारे लगभग 100% मरीज स्वस्थ होकर यहाँ से 100% रिकवर होकर यहाँ से निकल रहे हैं। कितना मतलब क्या है इनकी एज? 92 वर्ष के आसपास बताई गई है और उनके बेटे भी उनके साथ थे, वो भी साथ में लाए गए थे। और हम अपनी टीम का इस बात का उल्लेख करना चाहें कि वो हमेशा मरीजों के साथ संवाद रखते हैं, चाहे वो उनके राउंड पे सुबह शाम जाने के, इसके अलावा भी किसी भी वक्त उसके टेलीफोन कॉल से, वीडियो कॉल से उनसे उनके हमेशा संपर्क में रहते हैं और उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रखते हैं, ताकि उनको इस कोरोना रूपी महामारी से लड़ने की शक्ति प्रदान की जा सके। मैं डॉक्टर जगदीश चंद्रा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद मंडल।